और डिफिकल्टी तो मतलब किसी भी प्रॉब्लम और किसी भी डिफिकल्टी को सक्सेसफुली सॉल्व करना या उससे डील करने को हम क्या बोलते हैं ओवरकम ओके अफ्रेड फीलिंग ऑफ फियर और एनजाइटी और फ्राइटेंड अफ्रेड मतलब क्या होता है डरना राइट या तो किसी फियर का फीलिंग डरना या एंशियस होना या फिर फ्राइटेंड होना को हम क्या बोलते हैं अफ्रेड हैंड इन हैंड होल्डिंग ईच अदर्स हैंड हैंड इन हैंड का क्या मतलब होता है होल्डिंग ईच अदर्स हैंड एक दूसरे का हाथ को पकड़ना बिलीव टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू करेक्ट और रियल तो बिलीव का क्या मतलब होता है बिलीव का मतलब होता है कि ये सोचना कि कोई चीज सच है या फिर सही है या तो फिर असली है ओके okay? बिलीव मतलब टू ट्रस्ट विश्वास करना पीस अ पीरियड ऑफ़ टाइम वेन देर इज़ नो वॉर और वायलेंस एंड पीपल लिव हैपीली तो ये पीस मतलब क्या होता है पीस मतलब ये होता है कि ऐसा टाइम जहाँ पे लोग खुशी खुशी रह रहे हैं विदाउट एनी वायलेंस और वॉर तो पोएट हमें ये समझाना चाह रहे थे कि हम एक दिन ऐसे रहेंगे जब सारे लोग खुश होंगे और कोई भी वायलेंस या वॉर हमारे आस नहीं होगा राइट right? तो चलिए वर्ड मीनिंग्स यहीं पे फिनिश होते हैं हम एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज है चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव तो यह अब हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है पोयम के पोयम uh, में से और हमें फोर ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं तो हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव पे टिक करना है तो चलिए पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉट मेक्स एस फ्री जैसे कि पोयम में आपने पढ़ा था तो आपको याद है कि पोएट के अकॉर्डिंग हम किस चीज़ से फ्री होंगे क्या वो चीज़ है जो हमें फ्री करेगी तो पोएट पोएट के अकॉर्डिंग हमें क्या फ्री करेगा ट्रुथ तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ट्रुथ राइट तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है ये भी आपका होमवर्क है चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स तो हमें ये बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है जो हमें दे रखी हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं वी शेल नेवर ओवरकम तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि हमें कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज से ओवरकम करना ही नहीं चाहिए तो क्या पोएट ये कह रहे थे नहीं ना पोएट कह रहे थे वी शैल ओवरकम हमें उनसे ओवरकम करना चाहिए तो ये क्या है ये हमारा ये हमारा फॉल्स है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया फॉल्स ओके okay? तो चलिए रेस्ट आपके लिए होमवर्क है आपको खुद से करने। सो नेक्स्ट so, क्या है नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो ये हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमें पोयम में से रेफरेंस लेते हुए इन क्वेश्चन का आंसर देना है तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला ओके okay? विच लाइन इन दॉन्ग टेल्स यू दैट द पोयट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट द प्रेजेंट तो आपको याद है कि कौन सी लाइन ये सिम्बलाइज कर रही थी कि जो पोयट है अभी वो पीस में नहीं रह रहे हैं तो इसका क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा आंसर नंबर टू करेक्ट आंसर क्या है कि कौन सी लाइन थी आपको याद है ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव दैट वी शैल वी शैल लिव इन पीस सम डे तो ये जो लाइन्स थी ये डिनोट कर रही थी कि पोएट कभी करंट सिचुएशन में पीस में नहीं रह रहे हैं और वो अभी हैप्पी नहीं है ओके okay? तो चलिए ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है तो देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या फिलिंग द ब्लैंक्स विज सुटेबल वर्ड्स फ्राम द बॉक्स तो ये हमें कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं और कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें बॉक्स में से जो वर्ड्स हैं उनकी हेल्प ले कर इनको कम्प्लीट करना है ओके okay? तो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला आई ऑलवेज स्पीक द डैश तो अब क्या होगा इनमें से सही आंसर आई ऑलवेज पीक द ओवरकम नहीं करेक्ट आंसर होगा आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ तो हम यहाँ क्या लिख देंगे हम लिख देंगे ट्रूथ तो करेक्ट आंसर हो गया ट्रुथ ओके चलिए रेस्ट आपके लिए होमवर्क है आपको यहाँ से रेफरेंस लेके सारे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं okay. ओके तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है आपको क्लास में परफॉर्म करनी है आपकी क्लास टीचर आपको ये परफॉर्म करवाएंगी ठीक है ये सेम एक और एक्टिविटी है ये भी आपकी क्लास टीचर आपको परफॉर्म करवाएंगे क्लास में सो so स्टूडेंट्स ये टू एक्टिविटीज आपकी क्लास टीचर सॉल्व करवाएंगी आपके साथ क्लास में परफॉर्म करेंगी आज के लिए इतना ही आज हमने क्या सीखा न्यू वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द चैप्टर और एक्सरसाइजेस सॉल्व करी तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे तब तक के लिए इतना ही आई होप आपको समझ आया होगा थैंक यू बाय बाय